ब्लैक फंगस, कोरोना के बाद होने वाला जानलेवा इन्फेक्शन। ब्लैक फंगस पहले चरण में नाक या मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है, दूसरे चरण में या आंख में बहुत तेज़ी से फैलता है और तीसरे चरण में दिमाग में फैल जाता है। इस संक्रमण का शीघ्र उपचार किया जाए तो आंख और दिमाग पर इसके प्रभाव को रोका जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता डायबिटीज़ के मरीजों की कम होती है क्योंकि वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण ब्लैक फंगस डायबिटीज़ के मरीजों को अपना शिकार बनाता है। इन कारणों की वजह से ब्लैक फंगस कोरोना के मरीजों को अपना शिकार बना रहा है। मरीज़ को डायबिटीज़ होना और डायबिटीज़ में शुगर की अधिक मात्रा का होना, मरीज को उपचार में स्टेरॉइड्स का अधिक मात्रा में लेना, मरीज को ऑक्सीजन के ऊपर बहुत समय तक निर्भर होना, मरीज को इलाज के लिए वेंटिलेटर का उपयोग करना, मरीज का इम्यूनोमॉड्यूलेटर से इलाज होना, मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत कम होना, वो कोरोना मरीज जो पहले से कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं या वो कोरोना मरीज जो पहले HIV के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं या वो कोरोना मरीज जिनका पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, ऐसे मरीज ब्लैक फंगस के शिकार में ज़्यादा आ रहे हैं। कोरोना से ठीक होकर आए हैं तो ब्लैक फंगस के इन लक्षणों पर ध्यान दें। इस बीमारी को हम जितना जल्दी पहचानेंगे इसका इलाज उतना ही सफलतापूर्वक होगा। कैसे समझेंगे कि ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं? इसके लक्षण और पहचान ये हैं: चेहरे में दर्द और सूजन, नाक का बंद होना, नाक में दर्द होना, सिर के एक भाग में दर्द होना, चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, आँख से धुंधला दिखाई देना, आँख का लाल होना, आँखों में जलन होना, आँखों में पानी आना, आँखों के आसपास कालापन होना, पलकें सूजने लगी हों, नाक के एक तरफ से रक्त का बहना, मुंह पर सूजन अथवा आँखों की सूजन होना, दांत हिलने लगना, दांतों में दर्द होना, आँख का बाहर निकलना, दिखना बंद हो जाना। शुरुआत में ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सतर्क, नहीं होगी दिक्कत। कोरोना से ठीक होकर आए मरीजों को क्या करना चाहिए कि उन्हें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ना हो? डायबिटीज़ के मरीज को शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और शुगर लेवल नियंत्रित रखना चाहिए। स्टेरॉइड्स लेने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी लेना चाहिए और बहुत ही कम डोज में लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही स्टेरॉइड्स लेना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, मास्क को नियमित रूप से बदलें या धोएं, अपने पुराने टूथब्रश या जीप क्लीनर को बदलें, लक्षण होने पर तुरंत आंख और नाक के विशेषज्ञ से सलाह लें, विशेषज्ञ द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करें, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय करते रहें। कोरोना से ठीक होकर आए मरीजों को क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी मामूली लक्षणों की उपेक्षा ना करें, घरेलू इलाज ना करें, समय नष्ट ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड ना लें, सही समय पर इलाज से आपकी आंखों की रोशनी और जीवन बच सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।